हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव पंजावर के मियां हीरा सिंह को सहकारिता का जनक माना जाता है और अब उन्हीं के नाम पर सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मियां हीरा सिंह सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र एवं सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। वहीं डिप्टी सीएम ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां हीरा सिंह ने सहकारिता की शुरुआत की थी, लेकिन उनके नाम को पूरी तरह से भुला दिया गया था। उन्होंने कहा कि सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मियां हीरा सिंह के नाम पर इस प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने अपनी बेटी के लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, कोई राजनीतिक नहीं है। हिंदुस्तान में सहकारिता की अलख जगाने वाले, सहकारिता का थीम देने वाले, सहकारिता का कंसेप्ट देने वाले मियां हीरा सिंह जी, उनकी याद में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र कम सामुदायिक केंद्र और संस्थान यहाँ पे उसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। और आज से लगभग 130-132 साल पहले उन्होंने यहाँ से सहकारिता का कंसेप्ट दिया था, लेकिन सहकारिता पूरे विश्व में चली गई, पूरे देश में फैल गई, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस सोच को दिया था उसको भुला दिया गया। और इसके दावेदार पूरे देश में बहुत जगह से लोग बनने शुरू हो गए, लेकिन सारा रिकॉर्ड इस बात का गवाह है, दस्तावेज इस बात का गवाह है कि सहकारिता पूरे देश में ऊना जिला के पंजावर क्षेत्र से शुरू हुई और उससे सारे देश में गई। सहकारिता जन आंदोलन बना और लोग कॉपरेटर बने, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी और ख़ास तौर पे कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं और दूसरे स्थान हैं जहां पे कि कॉर्पोरेट जगत ने पूरी धाक जमा रखी है, लेकिन हम यहां शुरू हुए और लड़खड़ाने शुरू हो गए। तो आज हम उनको याद करते हैं और नए सिरे से संकल्प लेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश में सहकारिता का झंडा बुलंद करेंगे, सहकारिता को आंदोलन को फिर से खड़ा करेंगे, फिर से कायम करेंगे, सहकारी जगत के लोगों को इकट्ठा करके इस कंसेप्ट को कैसे आगे बढ़ाना है चर्चा करेंगे, डायलॉग करेंगे और उनका प्रशिक्षण का प्रावधान होगा। और ख़ास तौर पे जो ये स्थान है ये सिर्फ सहकार कॉपरेटर्स की टीचिंग का ही काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो इस इलाके का बहुत बड़ा गांव है, ये पंजावर अपने आप में एक प्रतिष्ठित गांव है और यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे कोई कार्यक्रम करने हैं, दूसरे ज़रूरतें हैं, दूसरी ज़रूरतें हैं, पारिवारिक ज़रूरतें हैं, तो उनको एक स्थान भी उपलब्ध हो जाएगा ग्रामीण स्तर पे भी और राज्य स्तर पे। तो ये प्रशिक्षण संस्थान काम करेगा। ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, उन्होंने कहाँ पे कहा। और जहाँ तक आस्था अग्निहोत्री का सवाल है, वो विदेश में शिक्षा हासिल कर रही हैं, तो
वो अपने फादर के इलेक्शन में सहयोग करने आई थी, वो पेशे से पॉलिटिशियन नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट केसरी।